हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप मूवी क्लिप पर काम करेंगे और आपको मूवी क्लिप को अपने फेसबुक पेज से रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम उस एक पेज को देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पर देखें कि ये एक बंदा का पेज है जो कि ये यहाँ का पेज नहीं, इंडिया का पेज नहीं। इसके अबाउट में अगर आप जाकर देखेंगे तो मैं इसका पेज ट्रांसफर, इसका नंबर देख ले, सबसे पहले मोबाइल नंबर देख ले, इसकी वेबसाइट को देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में अगर मैं विजिट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि 2020 में ये पेज क्रिएट करी गई है। सी ऑल बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें कंबोडिया से ये मल्टीपल एडमिन के साथ ये पेज मैनेज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइमरी कंट्री रीजन लोकेशन पीपल यू मैनेज दिस पेज इंक्लूड 9 पीपल जो है इस पेज को मैनेज कर रहे हैं। तो देखें कि इस पेज पे ये करते क्या है, मैं आपको इसके कंटेंट को भी दिखाऊंगा और देखेंगे कि इसके पेज पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है। और ये जो है देखें 9 घंटे पहले जो यहाँ पे ये दिया है मूवी क्लिप को दिया है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसके शेयर को देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये शेयर जो करता है छोटे छोटे ग्रुप में करता है या फिर शेयर इसके ऑटोमेटिक ये शेयर होते हैं, ये मैनुअली शेयर नहीं करते। और यहाँ पे ये जो है सभी मूवी क्लिप पर है और ये ऐसा तरीके से एडिट किया है। मैं इसके एक वीडियो को वॉल्यूम कम करके मैं सुनाता हूँ। देखें कि ये है इसके मूवी क्लिप ही है, लेकिन देखें यहाँ के इसके टाइमिंग को देखेंगे कि 4 मिनट और 3 मिनट के इसके वीडियो रहता है। यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 4 मिनट का इसका वीडियो है और मैं इसको पूरे प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें कि इसके अजीब टाइप का इसका जो है एडिटिंग होता है। इसके वीडियो के ऊपर कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है। मैं इसके पेज को आज पूरा चेक किया है। यहाँ पे इसके पेज पे देखेंगे तो इंडियन कंटेंट भी देखने को आपको मिलेगा, इंडियन मतलब कि इंडियन मूवीज़ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें सभी कंटेंट को मैं चेक करता हूँ वीडियोज़ में विजिट करके। इसके सभी वीडियोज़ में मिलियंस में व्यू जाते हैं और देखें कि हज़ारों में भी व्यू जाते हैं और पेज मोनेटाइज है। देखिए मैं मिलियंस वाले वीडियो को भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि देखेंगे कि आप मिलियंस वाले में भी मैंने देखा है कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये मिलियंस में भी इसके वीडियोस व्यू गए हैं। यहाँ पे देखिए 3.1 मिलियन ये वीडियो इसके व्यू गए हैं। यहाँ पे देख ले कि किस टाइप का इसका ये वीडियो है। वहाँ पर देखिए 1 मिनट 45 सेकेंड यानी कि लगभग 2 मिनट का वीडियो है, 4 दिन पहले दिया है। देखें कि ये वीडियो इसका मिलियंस में व्यू गया है। देखें कि इस टाइप के कंटेंट को ये जो है हॉलीवुड मूवीज़ जापानीज मूवीज़ को एडिट करके और 1 से 2 मिनट का वीडियो ही डालते हैं और इसके बीच वीडियोज व्यू को देख सकते हैं आप 3 मिनट 4 मिनट का, लगभग 11 मिनट से ज़्यादा। यहाँ पे इसका जो एक वीडियो है 11 मिनट का दिया है इन्होंने। यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे ये 11 मिनट दिया है और सभी वीडियो 3 मिनट 3 मिनट का ही वीडियो है और ये सभी इसके मोनेटाइज है। मैं इंडियन कंटेंट भी आपको दिखाता हूँ, इंडियन कंटेंट पे भी यहाँ पे इसका वीडियो डाला हुआ है, रोबोट मूवी डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए कि ये है रोबोट मूवी, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप रजनीकांत को जानते हैं इंडिया में तो यहाँ पे देख सकते हैं सीइंग द टॉप मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। यहाँ पे जितने भी टाइटल्स को देखेंगे कि सुपरहिट मूवीज नेटफ्लिक्स, सभी पे इन्होंने सुपरहिट मूवी नेटफ्लिक्स ही लिख रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको सभी पर आपको दिखेगा कि सीइंग ज़्यादातर सीइंग द टॉप मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, सुपर मूवीज नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स फिल्म सीन, सभी में यही नेटफ्लिक्स ये लिखा हुआ है। और देखेंगे कि सभी हॉलीवुड बॉलीवुड, एक बॉलीवुड भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देखें कि 2 मिनट 3 मिनट का मूवी है। यहाँ पे देखें कि ये 3 मिनट का मूवी, सभी जो है हज़ारों में मिलियंस में इसके व्यूज आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके ये वीडियो से सभी वीडियो मोनेटाइज भी है। अब इसके पेज के नाम भी X4X यहाँ पे देख ले कि इस पेज को आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं और इस पेज पे ये दूसरे पेज को भी शेयर करके अर्निंग करते हैं। दूसरा पेज को भी मतलब शेयर करते हैं जो मोनेटाइज पेज होते हैं ऑलरेडी इस पे शेयर करते हैं। तो देखिए ये जो एडिट करते हैं कैसे एडिट करते हैं, क्यों नहीं आते हैं इसके मूवीज के ऊपर कॉपीराइट, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देखिए कि ये 1 मिनट 44 सेकंड का वीडियो है और कोई भी कॉपीराइट नहीं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पूरे इसके वीडियोज लिस्ट में जाके कि ये वीडियोज को डिलीट भी नहीं करते हैं और एक बार अपलोड जो करते हैं डिलीट करने की इसे जरूरत नहीं है और अपने पेज पे ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको पेज में इसके वीडियोज वाले फिल्टर में ले जाके दिखाता हूँ। देखिए जितने भी इन्होंने अपलोड किया है, यहाँ पे देखिए जितने भी इन्होंने अपलोड किया है जो सभी मूवीज़ को इस पेज पे ही रहने देते हैं और इसे डिलीट भी नहीं करते हैं। देखिए कि एकदम जितने नीचे जाएंगे आपको इसके मूवीज़ देखने को मिलेगा, 2 वीक्स एगो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3 वीक्स एगो, जितने नीचे जाएंगे इसके मूवीज़ जो है
सभी जो डाले हैं ये डिलीट नहीं करते हैं। देखे कि 25 मिलियन तक व्यू गया है, इस पर देखे कि 3 मिलियन तक व्यू गया है। ऐसा ऐसा कंटेंट ये लाते हैं और डिलीट भी नहीं करते हैं। तो इस तरह के मूवीज़ को आप अपने फेसबुक पेज पर जो एक महीने तक देखे मैक्सिमम जो ये है एक महीने तक वीडियोज़ को रखते हैं अपने पे देखे, और इस पर कोई भी कॉपीराइट का मसला नहीं, लोग खूब देखते हैं इसके वीडियो को, सभी वीडियो पे हज़ारों में व्यूज़ है। और मैनुअली जो है ये सभी एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो करके ये डाल रहा है और इससे अर्निंग भी हो रहा है। मैं इसके फिर से एक बार पोस्ट वाले सेक्शन में ले जाकर दिखाता हूँ आपको। देखे कि पोस्ट में जाते हैं हम और देखे कि 9 घंटे पहले ये वीडियो डाला है इन्होंने, फिर एक दिन पहले डाला है ये वीडियो इन्होंने, फिर एक दिन पहले यानी कि ये कल वाला ही वीडियो होना चाहिए, फिर ये वन डे कल वाला भी होना चाहिए, फिर वन डे यानी कि डेली 1-2 वीडियो 3 वीडियो ये अपलोड कर रहा है। बस 2 मिनट की वीडियो को अपलोड कर रहा है, डेली टू डेली अपलोड कर रहा है ये, और दूसरे तीसरे मूवीज़ को ले लेके अपलोड कर रहा है। और किस टाइप से ये अपलोड कर रहा है यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारा जो है बाहुबली मूवी का ये सीन है। मैं इस सीन को प्ले करके दिखाता हूँ। देखे कि ये बाहुबली मूवीज़ का ये सीन है। आप अगर इस मूवीज़ को देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 मिनट का लगभग मूवीज़ का सीन है और ये बाहुबली मूवी का सीन है। देखे कि इस पर कोई भी इसे कॉपीराइट का मसला नहीं देखने को मिला है। तो देखे क्यों नहीं इसके वीडियो के ऊपर वीडियोज के ऊपर कॉपीराइट का मसला देखने को मिलता है। 4 दिनों से कोई भी मसला नहीं देखने को मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं इस अपने ये जो है फिल्मोरा वंडर शेयर में कैसे ये एडिट करते हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट का मसला नहीं रहेगा। मैंने इस वीडियो को इसके पेज को फाइनली जो है अच्छी तरह से देखा है, सभी वीडियो को देखा है क्या क्या करते हैं ये और कैसे आपको करना है। मैं अपने इस फिल्मोरा वीडियो के जरिए एक मैं वीडियो में एडिट करके आपको दिखाऊंगा कैसे करना है आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में बने रहे, देखे फिल्मोरा 9 जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके आपको कैसे क्या करना है कि आपको कोई भी कॉपीराइट का मसला नहीं रहेगा। और हम भी वही 3 मिनट वाले वीडियो भी बनाएंगे, 3 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाएंगे। और हम इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो जो आएगा हम उसे टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे इसमें कॉपीराइट का मसला आता है नहीं। हम उसी मूवीज़ को यहाँ पे उठाएंगे, उसी मूवीज़ को लेंगे जो मूवीज़ पे ज़्यादातर मैनुअली कॉपीराइट भेजे जाते हैं, जिस जो हमें लगता है कि मूवी अगर वो वाला मूवी क्लिप हम लेंगे तो कॉपीराइट आएगा ही आएगा, 100% कॉपीराइट आएगा, और उसी मूवी को हम यहाँ पे लेंगे। तो देखिए ये हमारा फिल्मोरा ओपन हो गया है तो हम इसे पहले बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो है फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। फाइल मैनेजर में हम उसी मूवी को लेंगे जिस मूवी पर कॉपीराइट आएगा ही आएगा, हम उसी मूवी पर ये ट्रिक्स को अप्लाई करके देखेंगे और 100% ये श्योर कर ले कि आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। देखिए धूम मूवी जो है ऐसा मूवी है, धूम 3 मूवीज़ को आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है इसे। तो यहाँ पे देखिए धूम 3 मेरे पास ये मूवीज़ है और हम इसे ओपन करते हैं और धूम 3 का जो एक बहुत ही अच्छा सीन होगा 3 मिनट का, हम उसी सीन को उठाएंगे और उसी सीन पे ये ट्रिक अपना अप्लाई करेंगे और बीच बीच से कट उसे हम निकाल देंगे। तो देखें कि यहाँ पे हम इसे टाइमलाइन पे ले आते हैं और आप लोगों को कई बार मैंने बता चुका है कि कैसे आपको यहाँ से इंस्टाग्राम का रेसिप्यू पे डालना है। मैं जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे यहाँ पे कर देता हूँ। अगर एडिटिंग सीखना है तो मेरे ऑलरेडी वीडियोज़ मैंने पहले कई बार वीडियोज़ एडिटिंग पे बना दिए हैं। और देखें कि आपको स्पेक्ट्रम से चेंज कर लेना है, कलर कोरेक्शन थोड़ा करना होगा। तो देखें हम उस सीन को थोड़ा उठाते हैं जहाँ से अच्छा वाला सीन हो। देखे कि यहाँ शुरू में ये धूम वाला मूवी जो है शुरू में यहाँ पे स्टार्टिंग में बच्चे वाले सीन होते हैं तो हम इसे टाइमलाइन को छोटा करते हैं। जहाँ से वो बाइक लेके निकलते हैं हम वहाँ से टेस्ट करेंगे, वहाँ से उस क्लिप को निकालेंगे। तो देखे कि यहाँ पे ये बाइक वाला सीन आ गया है। तो देखे ये 30 मिनट तक पहुँच गया है मूवी, यहाँ पे देखे ये सीन है और देखे कि यहाँ पे ये बाइक वाला सीन है। यहाँ पे देखे मैं उसी सीन को 3 मिनट के सीन को लगभग निकालूंगा। यहाँ पे देखे कि जब ये बैंक को मतलब इस मूवी में ऐसा सीन है कि बैंक चोरी करके जब निकलते हैं तब वाला ये सीन मैं उसे दिखाऊंगा। तो देखे कि यहाँ से जैसे ही उठेंगे और बाइक लेके निकलेंगे बैंक को चोरी करके, हम उसी वाले सीन को यहाँ से उठाएंगे। हम अच्छी तरह से पहले देख लेते हैं। A few moments later. तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फाइनली जो इसके बाइक वाला सीन है पूरा सीन को मैंने कट करके निकाल लिया है।
यहाँ पे देखेंगे कि तो लगभग ये जो है 7 मिनट का सीन है, यहाँ पे देख ले 7 मिनट 40 सेकंड का सीन है, और इसमें जो भी सीन है सभी बाइक रेसिंग वाला सीन है। मैं इस टाइमलाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और देखे मैं यहाँ पे इसे पहले क्रॉप करूँगा, यहाँ से क्रॉप आप कर सकते हैं। देखे मैं इसको कस्टम में जाके और अच्छी तरह से मैं इसे क्रॉप करूँगा ताकि ऊपर वाला ब्लैक वाला भाग हट जाए। इसमें लोगो तो ऑलरेडी हटा हुआ है, तो देखिए मैं इसे छोटा छोटा क्रॉप करूंगा, ब्लैक वाले भाग को हटाऊंगा नीचे से भी, और ऊपर से तो ब्लैक वाला भाग हटा हुआ है, ऊपर से नहीं हटाना है। मैं ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे और देखें कि यहाँ पे ब्लैक वाला भाग अब हट गया है। इसे लंबा कर देना है, ऊपर करेंगे और इसे भी थोड़ा नीचे करेंगे, ये लंबा हो जाएगा। देखें अब ओके बटन पर प्रेस करेंगे, फिर इसी टाइमलाइन पर राइट क्लिक करेंगे और कलर कोरेक्शन में जाएंगे और कलर कोरेक्शन कर देना है। यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी जो प्रीसेट्स दिए हुए हैं हम उसी प्रीसेट्स को यहाँ पे सेटअप करेंगे और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इतना ही काम करना है आपको और बस हो गया यहाँ पे, और कुछ भी आपको नहीं करना है। अब क्या करना है कि आपको बीच से छोटा सा पार्ट को आपको जो है आराम से बीच बीच से एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ से निकालता हूँ। देखिए यहाँ इतना छोटा पार्ट को मैं निकाल लेता हूँ। देखिए एक पार्ट को मैंने निकाला, सीधा निकाल के इसे डिलीट ही कर देना है आपको। देखिए मैंने डिलीट कर दिया, देखिए मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ बीच एक एक पार्ट को मैं यहाँ पे और कटूंगा। यहाँ पे देखिए इस कैंची बटन पे क्लिक करूँगा तो एक पार्ट फिर से कटेगा, और फिर से एक छोटा सा 1 सेकेंड से भी कम वाला पार्ट को हम यहाँ से डिलीट करके हटाएंगे। देखिए फिर से मैंने डिलीट करके हटा दिया, इसे 2 पार्ट को मैंने हटा दिया लगभग। अब 1 पार्ट को हम और हटाते हैं, 3 पार्ट को हटाएंगे और उसके बाद काम तमाम करेंगे, उसके बाद हमें नहीं हटाना है। देखिए यहाँ पे हम फिर से 1 पार्ट को हटाते हैं, कैंची बटन पे क्लिक करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बीच से अगर कॉपीराइट का कोई मसला होगा तो म्यूजिक से होगा तो उसे म्यूजिक पकड़ में नहीं आएगा। तो देखिए मैंने 3 पार्ट को हटा दिया है। अब क्या करना है आपको कि फेसबुक का बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, आप लोग जानते होंगे कि फेसबुक का साउंड कलेक्शन में फेसबुक से आप बैकग्राउंड म्यूजिक को आराम से जो है फेसबुक की तरफ से उठा सकते हैं। अब फेसबुक के बैकग्राउंड म्यूजिक को क्या करना है आपको कि ये देखे, ये जो मैंने मूवी क्लिप्स उठाया है, अगर आप देखेंगे मैं इसके अगर वॉल्यूम को कम करके आपको दिखाऊँ तो देखेंगे कि इसमें कभी भी कहीं भी बात करने वाला सीन नहीं है। जो भी सीन है आपको एक्शन वाला सीन लेना है, जैसे कि देखिए अब यहाँ से एक्शन वाला सीन होगा स्टार्ट, यहाँ पे बोलने वाला कहीं भी सीन नहीं है। बाइक लेगा और बैंक से चोरी करता है इस मूवी में, उसके बाद जो है बाइक रेसिंग स्टार्ट, ऐसे इसी वाला सीन को लेना है। देखिए यहाँ से थोड़ा बातचीत होता है, उसके बाद जो है बाइक रेसिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर कहीं भी बातचीत होने की चांसेस नहीं होती है, बस बाइक रेसिंग होती रहती है। बस इसी टाइप के सीन को आपको उठाना है किसी भी मूवी से, इसी टाइप के सीन को उठाना है जहाँ पे फाइटिंग हो रहा है, जहाँ पे लड़ाई सब हो रहा हो और युद्ध सब चल रहा हो किसी भी मूवी में, अजीब सीन सब उस मूवी में आए। जैसे कि मान लीजिए कि बस टॉकिंग नहीं रहना चाहिए, मतलब कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में कोई बातचीत नहीं होना चाहिए, बातचीत अगर होता है तो उस सीन को आपको नहीं लेना है। तो देखिए मैंने इतना कर दिया, मैंने कलर कोरेक्शन भी कर दिया। देखिए आपने देखा होगा कि मैंने इसका स्पीड भी नहीं बढ़ाया है, ना ही ऊपर में टेक्स्ट लगाया है, ना ही नीचे में टेक्स्ट लगाया है। अब इसे हम लॉक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, और मैंने जो आपको बताया कि आपको साउंड कलेक्शन से, फेसबुक का साउंड कलेक्शन से एक म्यूजिक को उठा लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे ये म्यूजिक को उठा रखा है, हम जैसे ही ओपन करेंगे देखें म्यूजिक का नाम भी आप देख सकते हैं, ये फेसबुक का म्यूजिक है, गेम्स ऑफ मैजिक। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसे टाइमलाइन में हम सेटअप कर देंगे। देखें ये टाइमलाइन में सेटअप जो हुआ है आधा ही हुआ, इसे हम कॉपी करके फिर से पेस्ट करेंगे, पूरे टाइमलाइन में सेटअप करेंगे। ये 7 मिनट का है तो 7 मिनट तक हम इसे ले जाएंगे। देखिए 7 मिनट 36 सेकंड का है। अब इसका इसके वॉल्यूम को आपको कम नहीं करना है फ्रेंड्स, इसके वॉल्यूम को आपको ज़्यादा ही रहने देना है। आपको अच्छी तरह से सुन लेना है कि दोनों का आवाज़ थोड़ा थोड़ा आते रहना चाहिए, यानी कि आप देखें कि इसका भी आवाज़ आते रहना चाहिए, मूवी का भी आपको आवाज़ सुनाई देते रहना चाहिए और इसका भी आवाज़ सुनाई देते रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि आपको इसके वॉल्यूम को चेक करेंगे, देखिए इसके वॉल्यूम के कितना है, राइट क्लिक करेंगे हम एडजस्ट ऑडियो में जाएंगे तो देखिए इसके वॉल्यूम यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एडजस्ट ऑडियो में जाऊँगा तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे वॉल्यूम पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि अब इसके अंदर में कितना वॉइस था ये पता नहीं, जब आप इसे प्ले करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैं एक बार प्ले करके एडजस्ट कर लेता हूँ। A few moments later. देखा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ऊपर में भी कम करने की जरूरत नहीं है, ना ही नीचे में भी कम करने की जरूरत है। देखिए ऊपर वाला आप कम कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये
फाइव पॉइंट ज़्यादा हो गया था। अगर माइनस आप टू करना चाहे तो माइनस टू आप कर सकते हैं। देखिए टू पॉइंट मैंने जीरो कर दिया, अब सभी को टू पॉइंट जीरो आपको करना है। देखिए एक साथ अगर करेंगे तो आपको इसी टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा करना है। देखिए इसे भी 2.0 मैं कर देता हूँ, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से मैनुअली आपको करना होगा माइनस 2.0। अगर करेंगे तो सबका जो है शुरू में स्टार्टिंग में अगर म्यूजिक वाला काम करते हम तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, तो कोई नहीं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार माइनस 2.0 कर देता हूँ सभी को, और मैंने प्ले करके सुन लिया। देखिए कि नीचे वाले म्यूजिक को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला म्यूजिक उतना ही रहने देंगे। फिर से हम इसे लॉक करते हैं, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए इसके आगे हम पेस्ट कर देते हैं, जस्ट इस म्यूजिक के आगे पेस्ट करेंगे और दो बार पेस्ट करेंगे ताकि मेरे सभी पूरे टाइमलाइन में ये म्यूजिक आ जाए। देखिए ये पूरे टाइमलाइन में आ गया है। अब इसमें क्यों कॉपीराइट क्यों नहीं आएगा कि देखिए इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा हुआ है और कहीं भी उसके म्यूजिक पकड़ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम ही इतना ज़्यादा है कि और ऊपर वाला म्यूजिक इसे पकड़ में नहीं आएगा। तो देखिए अब इतना ही करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है और डेली बाय डेली अपने फेसबुक पेज पर इसे अपलोड करना है। देखिए 283 MB का यहाँ पे ये बना है, और इसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे भी अगर आप रखना चाहें वहाँ पे आप रख सकते हैं। देखिए मैं फेसबुक ऑडियो पर अभी एक बार एक फोल्डर मैंने बनाया था फेसबुक ऑडियो, उसी में मैं फेसबुक म्यूजिक में इसे मैं रखता हूँ। देखिए सेलेक्ट फोल्डर मैंने किया, और यहाँ पे देखिए इसका नेम मैं धूम टेस्ट करूँगा। देखिए धूम टेस्ट का मैं इसका रिजल्ट, अगर अच्छा खासा रिजल्ट आता है, कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है, मैं आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा, और ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं आप लोग इसे खुद चेक करके आप देख सकते हैं, और 100% ये वर्क करेगा ही करेगा। आप एक बार खुद अपने फेसबुक पेज पे ये ट्रिक्स अप्लाई करके आप देख सकते हैं। देखिए म्यूजिक जो रहना चाहिए ये नीचे वाला जो म्यूजिक होना चाहिए, म्यूजिक आपका फेसबुक का जो साउंड कलेक्शन वाला म्यूजिक है, उस वहाँ पर आपको ढेरों म्यूजिक मिल जाएंगे, वहीं से आपको म्यूजिक उठाना है और मूवी के नीचे बस फुल वॉल्यूम में म्यूजिक को लगाना है, ताकि जो यहाँ पे मूवीज़ का भी आपको जो है म्यूजिक सुनाई देना चाहिए। नीचे आपको देखेंगे तो नीचे आपका खुद का भी म्यूजिक सुनाई देना चाहिए, और कहीं पर ज़्यादा वॉल्यूम लगता है तो आप मूवी का ही कम कर दें, लेकिन नीचे जो बैकग्राउंड में आपने लगाया है उसका आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसी तरह से आपको मूवीज़ 3 मिनट से 4 मिनट का मूवीज़ को एडिट करना है, जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, और डेली बाय डेली अपने फेसबुक पर देना है, मोनेटाइज पेज पर देना है आपको। सबसे पहले आपको अपने पेज को मोनेटाइज करना है, फॉलोअर्स कंप्लीट करना है। फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करी जाती है मैंने कई बार बताया है, वॉच टाइम कंप्लीट करना है आपको, और उसके बाद ये ट्रिक्स को आपको अपनाना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप एडिट करके देखें, आपको कोई भी कॉपीराइट का मसला नहीं रहेगा। मैंने आपको पेज का भी एग्जांपल दिखाया है, उस पेज को भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पेज का नाम अगर आप फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो पेज का नाम आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।